स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसी वबा के चक्कर में फंसी हुई है कि वबा पूरी दुनिया में इलाज किसी की समझ में ठीक से नहीं आ रहा है। मैं जाहिर है कि मैं अपने को आलिम तो नहीं कहता, लेकिन बहरहाल मैं दीन से वाकफियत रखता हूँ। इस वक्त पोजीशन यह है कि मेरे ख्याल में ऐसी पोजीशन कभी नहीं हुई कि जब उलमाए अहल तशय्यो, शिया उलमा, सुन्नी उलमा, देवबंदी उलमा, वहाबी उलमा और मुफ्ती अजहर के मुफ्ती और सऊदी अरब के मुफ्ती, मुख्तसर ये कि पूरी दुनिया इस्लाम का एक फतवा है, एक फतवा पूरी दुनिया इस्लाम का है और वो फतवा यह है कि इस कोरोना से जान बचाना वाजिब है और इसके पर वाजिब पर अमल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इधर उधर के चक्करों में न पड़ें, बल्कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री का सेल बना हुआ है उसके जो डॉक्टर्स हैं जो मशवरा आपको दे रहे हैं उस पर आप अमल करें ताकि आपकी जान बच जाए। कुरान मजीद में भी है और हदीसों में भी है कि इंसान पर जान का बचाना वाजिब है, अपनी जान का बचाना भी वाजिब है, दूसरे की जान का भी जहाँ तक हो सके बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। इसी तरह से जो और हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, क्रिश्चन, वो सब बहरहाल आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ये सब इंसान हैं, इन सब की जान को बचाना ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इसमें, मैं आयतुल्लाह सिस्तानी से मेरी खुद मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने भी फरमाया कि मेरा भी फतवा यही और वही फतवों का छवा भी है कि जो हुकूमत ने ऑफिशियल सेल बनाया है उसके जो डॉक्टर्स हैं जो बात कहें उसकी बात को आप लोग कबूल करें, उस पर सख्ती के साथ अमल करें। बहरहाल इसके साथ साथ आप दुआएं भी पढ़ें, कुरान की आयतें पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन दुआओं के साथ साथ और आयात इलाही के साथ साथ दवाओं का होना भी ज़रूरी है। दवाओं में आप वो नुस्खे इस्तेमाल करेंगे जो रिकग्नाइज डॉक्टर्स ने इंट्रोड्यूस किए हैं और जिसको वो लेकर आए हैं। तो ये तमाम शिया सुन्नी जितने भी उलमा हैं उन सबका मुत्तहिदा फतवा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप साथ अपनी जान की कीमत समझें। इस्लाम में जान बचाना, कुरान में कई जगह आया कि अपनी जान बचाओ, तो अपनी जान को बचाना भी इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है और फरीजा है।